वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम यशराज कुमावत और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाना चैनल पर, वहां से देखना ताकि आपको पिछले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है, और आपको वहां से भी नॉलेज मिलेगा। तो गाइस, अगर आप भी अपना ब्लॉगिंग का चैनल ग्रो कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका चैनल भी अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है गाइस, अपना व्लॉगिंग का चैनल ग्रो करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च करके अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते। गाइस, मेरे पास 6 ऐसी टिप्स लिखी हुई है जिसको फॉलो करके मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो व्लॉगिंग का चैनल है वो 101% ग्रो हो जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भगवान हूं या फिर मेरा बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर ये फॉलो करते हो और इसको फॉलो करने के बाद में देखना गाइस, आपका चैनल 100% ग्रो हो जाएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पहली गाइस टिप ये है कि आप डेली ब्लॉग अपलोड करना अपने चैनल पर, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ और एक वीडियो एक महीने बाद डाल रहा हूँ, फिर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा ब्लॉगिंग का चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो गाइस आपका ब्लॉगिंग का चैनल कभी भी नहीं ग्रो होगा। आपको अगर अपना ब्लॉगिंग का चैनल ग्रो करना है तो गाइस मैं आपको यही कहूँगा, पहली टिप यही दूंगा कि आपको डेली ब्लॉगिंग डालना है। और डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकते तो एक दिन या फिर दो दिन छोड़ करके वीडियो डालिए, कोई भी टॉपिक। मैंने पिछली वीडियो में टॉपिक कवर किया है कि आप कौन कौन से टॉपिक में ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है, तो वो टॉपिक कवर करिए और वीडियो बनाइए और चैनल पर अपलोड करिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, ठीक है, दूसरी टिप की। तो गाइस दूसरी टिप ये है कि आप हमेशा ओरिजिनल कंटेंट डालिए, खुद का ब्लॉग अपलोड कीजिए, ठीक है, खुद की वीडियो बनाइए। ऐसा नहीं है कि यार किसी यूट्यूबर ने किसी ब्लॉगर ने वीडियो बनाई, उसके चैनल पर अपलोड करी, वही वीडियो आपने अपने चैनल पर कॉपी करके पेस्ट कर दी। मेरे साथ ये हुआ है बेसिकली, ठीक है। पहले मैं ब्लॉग्स बनाता था तो पहले क्या करते थे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरी ही वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते, ठीक है, डाउनलोड की मेरी वीडियो, वही की वही कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो व्यूज़ मेरे पास है वैसे के वैसे व्यूज़ उनके पास नहीं आते थे। तो गाइस इनमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। अगर आप किसी का ब्लॉग कॉपी करते हो तो हो सकता है आपको स्ट्राइक भी मिल सकती है, और अगर आपको स्ट्राइक मिली तो आपका चैनल बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली टिप डेली ब्लॉग्स अपलोड कीजिए, साथ में दूसरी टिप ये है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट डालना है, किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। तो गाइस तीसरी टिप ये है कि आपको हमेशा अपनी वीडियो में वॉइस परफेक्ट रखना है, साथ में वीडियो क्वालिटी हमेशा परफेक्ट रखना है, ठीक है। ये तीसरी टिप है, आप इसे फॉलो कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है आपका चैनल 100% ग्रो हो जाएगा, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है। अब गाइस बात करते हैं चौथी टिप की, ठीक है। तो गाइस चौथी टिप हमारे पास ये है कि हमेशा किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस को आपको वॉच करना है, ठीक है। यूट्यूब पर जाइए, आपको अगर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, व्लॉगिंग की वीडियो बनाते हो, तो हमेशा दूसरे व्लॉगर की भी वीडियो आपको देखना है और उसमें कमेंट भी करना है, ठीक है। वहाँ से आपको सीखने को मिला कि यार आपको कैसी वीडियोज़ बनाना है, कैसी वीडियोज़ को एडिट करना है, कैसा बोलना है, ठीक है, किस तरीके से टाइटल लगाना है, किस तरीके से थंबनेल लगाना है। तो आपको क्या है, आप अगर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करें तो रेगुलर किसी दूसरे यूट्यूबर की भी जो पहले से ज़्यादा ग्रो हो चुका है उनकी वीडियोस आपको देखना है और उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी यूट्यूबर को फॉलो करता हूं तो आपको भी किसी यूट्यूबर को फॉलो करना है और उसको आइडियल मान के चलना है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका आसानी से यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस चौथी और आखिरी टिप की। आपको गाइस हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ लेकिन मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं। तो गाइस आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके चैनल पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करिए गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, कुछ साल मेहनत करके देखिए, कुछ महीने मेहनत करके देखिए, आने वाले टाइम में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और बस मैं आपको यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेगेटिव आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार मेरे चैनल पर मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। आपका अगर ईमानदारी से एक भी व्यू आ रहा है ना तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है।
मैं आपको यही कहना चाहूँगा। अभी फिलहाल मेरे चैनल पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, आप सभी देख रहे होंगे, लेकिन मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, क्योंकि गाइस आप अगर वहाँ से इनकम नहीं जनरेट करते हो ना तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, मेरी आप पिछली वीडियोज़ देखना, पुरानी वीडियोज़ जहाँ पर आपने देखना कि मैं पहले कैसा बोलता था, और आज का टाइम अगर देखेंगे तो मेरा बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो खुद के सुधारने के लिए आप वीडियोज़ बनाइए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो गाइस छोटी सी मैंने आपको टिप्स बता दिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो ही मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और जो भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से गाइस फॉलो करके मुझसे बात करना। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय, टेक केयर।